मुजफ्फरनगर में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता कर भारत सरकार से रोजाना 1 करोड़ वैक्सीनेशन करवाने की मांग की। दवाइयों की आइसोलेशन किट भी कांग्रेसियों ने की वितरित। सभी पत्रकार बंधु जी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी द्वारा प्रत्येक जिले में कोरोना वैक्सीन किट ये जो भी आ रहे थे और बहुत ही हमारे कर्मठ साथी जो हर चीज पर पूरी भागीदारी से जुड़े दुनिया के हमारे भाई बहुत ही सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित त्यागी भी हैं। सब लोग हमारे साथ, उनकी पूरी टीम है जो त्यागी की है और हमारे युवा विक्की भाई हैं, आकाश त्यागी हैं। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्की भाई, सेवा दल के जिलाध्यक्ष राहुल भारद्वाज जी, ये सभी लोग और अन्य हैं सेवा दल के शर्मा जी और हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे बहुत ही युवा साथी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, हरमान भाई, हरमान मुनसन के नाम से, इरफान मुनसन जी के बेटे हैं। और सभी आज किस तरह की प्रेस वार्ता की आपने? भाई जी, हमारी प्रेस वार्ता तो वैक्सीन को लेकर है मेन, क्योंकि वैक्सीन का सही तरीके से वैक्सीन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं सरकार। तो हमारा ये कहना है कि आज केवल इस महामारी से जान बचाने का एक ही तरीका है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। सरकार कह रही है कि 16 लाख वैक्सीन हम पर डे दे रहे हैं, जो आंकड़ा मैं समझता हूँ सही नहीं है। अगर 16 लाख अगर सही मान भी लिया जाए तो अगले 3 साल तक भी हम 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे अगले 3 साल में। तीसरा पेंडेमिक आने वाला है जिसकी मतलब जिसके बारे में फोरकास्ट की है साइंटिस्टों ने। अगर यही हाल रहा तो अब तो 50 लाख के करीब लोग मरे हैं। अब आने वाले इस पेंडेमिक में क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद यूपी में एकदम से स्थिति सुधरी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या अच्छा रहा आंकड़े गलत? देखिए, 134 दिन के बाद अगर हम, क्योंकि चेन टूटी है, ये सही मायने में ये तो लॉकडाउन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये भी देर में हुआ है। लॉकडाउन पहले होना चाहिए था, पर चलिए देर से ही सही, फर्क पड़ा है। लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ है और असली आंकड़े कुछ है। आज भी बहुत लोग मर रहे हैं, देहात में आप लोगों की, हम लोगों की अप्रोच उतनी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक गांव से आता हूँ तो गांव में 25-25, 30-30 लोग मर गए। तो हमारा निवेदन ये है कि सरकार जो है 1 लाख वैक्सीन पर डे का अभियान शुरू करे, तब जाके हम आने वाले दिसंबर तक 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उन्हें लेकर किस तरह की तैयारी है आप लोगों की, क्या रणनीति? हम बिल्कुल, हमारा इन सब, हमें सबसे पहले इस महामारी से हमारी लड़ाई है। चुनाव हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है, बाद की चीज़ है। उन लोगों के लिए चुनाव प्राथमिकता है, उन लोगों के लिए, हमारे लिए पहले ये बीमारी से निपटना हमारी प्राथमिकता है। चुनाव से अभी कोई फोकस नहीं चुनाव पर? चुनाव अभी टाइम है, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले अपने देश, अपने नागरिकों को बचाया जाए इस बीमारी से, अपनी पहले तो जान बचे किसी तरीके से, चुनाव तो बाद की चीज़ है। हाँ जी।